हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे DIR अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड हेल्प मेथड को। ठीक है, तो सबसे पहले DIR को डिस्कस करते हैं। तो DIR क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में कितने एट्रीब्यूट और फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, या उससे कितने हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट से कितने एट्रीब्यूट और मेथड्स हमारे अटैच हैं उसमें अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे एक लिस्ट का एग्जाम्पल लेता हूं, LST 1, 2, 3, 4, ये एक लिस्ट हो गई। ठीक है, अब इस लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करूं और इसके अंदर मैं लेता हूं पहला मेथड DIR और इसमें पास करता हूं लिस्ट LST। ठीक है, चलिए मैं एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए इस लिस्ट पे हमारे इतने जो मेथड्स हैं, इतने जो एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये लिस्ट पे है, इसको रिवर्स कर सकते, इसको रिमूव कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कॉपी क्लियर, और ये इसके एट्रीब्यूट हैं इतने सारे। ठीक है, तो ये जो DIR मेथड है ये देता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने एट्रीब्यूट और कितने मेथड्स अटैच होते हैं जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको मैं चेंज करता हूं, मान लीजिए यहां पे ये मैंने लिस्ट को चेंज कर दिया है यहां पे। ठीक है, तो अब मैं यहां पे एग्जीक्यूट करता हूं फिर से। तो देखिए अब नंबर ऑफ जो हमारे यहां पे आ रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट चेंज हो गए। लिस्ट के लिए ये थे और ये टपल के लिए इतने आ गए। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एक वेरिएबल ही ले लेता हूं मैं सीधा 10 इन, ये ले लिया मैंने। ठीक है, इंटीजर के लिए देखिए, इंटीजर के लिए अलग है। ठीक, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और जो हमें पॉसिबल फंक्शंस, पॉसिबल एट्रीब्यूट हमें यूज करना है वो हम यूज कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा है डिक्ट। डिक्ट क्या है, ये हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूं, जो मैं हर बार बनाता हूं, एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूं इनिट, ये पास हो गया। यहां पे पास नहीं करता हूं मैं, इसमें हर बार नेम लेता हूं तो नेम तो लूंगा ही। ठीक है, ये हो गया सिंपल, हमारी एक क्लास बन गई। अब यहां पे मैंने लिया ईएमपी, कंस्ट्रक्टर बनाया एम्प्लॉय, और यहां पे मुझे नेम पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नेम पास करता हूं यहां से राजू, राजू मैंने पास कर दिया यहां पे। अब देखिए, अब ये डिक्ट क्या करता है, डिक्ट करता है कि इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट है वो हमें देगा। जैसे कि हमने इसका ऑब्जेक्ट लिया डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट, ये देखिए इसके अंदर यहां पे अभी एक एट्रीब्यूट है तो एक आया। अगर मैं ए को ले लेता हूं यहां पे, एज सेल्फ डॉट एज एज, ये हुआ सेल्फ। ठीक है, मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूं राजू, मुझे एज भी लेनी पड़ेगी यहां पे 15। ये देखिए नेम राजू और एज 15। अब देखिए वो तो हम यहां से पास कर रहे हैं तो हमें पता ही चल जाएगा कितने इसके अंदर एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे एक ले लेता हूं सेल्फ सैलरी, ये ले ली मैंने सैलरी। अब इसका तो ऑब्जेक्ट से पता नहीं चलेगा कि क्लास के अंदर ये एट्रीब्यूट है या नहीं है, तो इस तरह का भी एट्रीब्यूट ये हमें दे देगा। ठीक है, अब हम हेल्प मेथड को देखते हैं कि हेल्प मेथड क्या करता है। हेल्प मेथड हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है कि वो हमें बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट किस तरह से डॉक्यूमेंटेड है, और उसका डिस्क्रिप्शन बताता है उसके एट्रीब्यूट के बारे में और उसके मेथड के बारे में। तो यहीं पे इसी को देख लेते हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, इसको अगर मैं हेल्प मेथड में पास करता हूं, तो फिर क्या आएगा? ठीक है, ये देखिए, हेल्प मेथड में मैंने पास किया तो यहां पे बता रहा है क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, और एम्प्लॉय क्लास के अंदर नेम और एज, मेथड डिफाइंड इनिट, इनिट कंस्ट्रक्टर, ये मेथड, और भी इस तरह से ये डॉक्यूमेंट इसने यहाँ पे हेल्प में बना के दे दिया। ठीक है, अगर मैं सीधा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना पास करूं, सीधा क्लास पास करूं, देखिए क्लास से भी मुझे सेम दे रहा है वो सब। ठीक, अगर मैं कुछ और पास करूं, कोई वेरिएबल लिस्ट या कुछ पास करूं, तो उसके बारे में भी ये मुझे यहाँ पे हेल्प करेगा, उसको डॉक्यूमेंट बताएगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये हेल्प करता है। तो ये बहुत ही, ये जो तीन मैंने यहाँ पे मेथड और एट्रीब्यूट आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये काफी यूज आते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कितने मेथड्स हैं, ठीक है, और हम उन्हें किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे DIR, डिक्ट और हेल्प का यूज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।